नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। दोस्तों अक्टूबर का सेल्स फिगर आ चुका है और चलिए बात कर लेते हैं कि महिंद्रा ने कैसा धमाल मचाया है। दोस्तों आप लोग को आज मैं बता देना चाहता हूं कि महिंद्रा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है ना भैया, सैल्यूट है। जो भी स्ट्रैटेजी बना रहा है ना, जिसने भी मार्केटिंग की प्लानिंग की है ना, आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। इंडियन कंपनी को इस तरीके से प्रमोट करना अपने आप में भी काबिले तारीफ है। दोस्तों दो कंपनी टाटा मोटर्स और महिंद्रा जिस रफ्तार से भाग रही है ना, आने वाले दिनों में मैं आपको कह देता हूं कि कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि महिंद्रा ने किस तरीके से कारनामा किया है अक्टूबर के महीने में। जैसा कि आपको पता है कि स्कॉर्पियो एन ने बाजार में मचा दिए धूम और लोगों को ये गाड़ी मिलना हो गया है मुश्किल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सेल्स फिगर पे एक नज़र और जानते हैं कि महिंद्रा ने क्या किया है धमाल। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, अक्टूबर के महीने में 32,298 गाड़ी बिक गई है महिंद्रा की। वहीं अक्टूबर 21 की बात करें तो 20,130 गाड़ियां बिकी थी। दोस्तों लगभग 61% का चेंज देखने को मिल रहा है। इससे आप एक बात जरूर समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में महिंद्रा जिस रफ्तार से भाग रही है ना, हुंडई का दिन दूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक और बात मैं बता दूं, महिंद्रा बन गई है नंबर 1 SUV कार कंपनी। इसके पहले टाटा मोटर्स के पास ये उपलब्धि थी, लेकिन महिंद्रा ने उससे छीन कर बन गई है नंबर 1 SUV कार कंपनी। दोनों अपनी देश की कंपनी है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हुए नजर आ रही है और काफी तेजी से ग्रो करते हुए भी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और इसी तरीके के छोटे छोटे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।